हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान बिना ओवन के। नान हम तवे पे बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर आपको ये पसंद आएगी मेरी रेसिपी तो प्लीज़ आप इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स और बनाना स्टार्ट करते हैं। नान बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा, आधा कप रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा नमक, सोडा वाटर। तो चलिए इसका पहले हम डो बना लेते हैं। एक बाउल में मैदा डालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, फिर थोड़ा शक्कर डालूंगी, फिर रिफाइंड ऑयल डालूंगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे सोडा, ये सोडा वाटर जो मैं पहले दिखाया था, थोड़ा थोड़ा ये सोडा डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे 2 घंटे के लिए मैं ढक के रख दूंगी। 2 घंटे हो चुके हैं और ये नान का डो मैंने जो बनाया था ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए मुझे थोड़ा पानी, मेल्टेड बटर और ये थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इतना आटा लिया है, इसको ऐसे करेंगे। अब बनाएंगे ऐसे रोटी के जैसा। ये देखिए इसको मैंने ऐसे बेल लिया है। इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है, रोटी के जैसा पतला नहीं बनाना है। अब इस पे हम पानी लगाएंगे, ऐसे अच्छे से पूरा फैला लेंगे पानी इस पे। और इसको ऐसे उठा के जिस साइड हमने पानी लगाया है उस साइड को तवे पे ऐसे डालेंगे। ये देखिए नान हमारा सिक रहा है। अब ऐसे हम तवे को उठा के उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके ऐसे सेकेंगे इसे। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंगे इसे हाई फ्लेम पे। ये देखिए नान मेरा अच्छे से सिक गया है। ये देखिए नान को अच्छे से सेक ली हूं मैं। अब इसको ऐसे करके निकाल लेंगे और अब इस पे हम मेल्टेड बटर लगाएंगे। आप इस पे घी भी लगा सकते हैं, अगर आपको घी पसंद है तो आप घी भी लगा सकते हैं। ऐसे करके हम और भी नान बना लेंगे। अगर आपको गार्लिक नान पसंद है तो गार्लिक नान के लिए हम गार्लिक लेंगे बारीक चॉप किया हुआ, कोरिएंडर बारीक चॉप किया हुआ। ये भी मुझे ऐसे ही बेलना है जैसे इसके पहले मैं बेली थी नान के लिए, वो प्लेन नान था। अभी हम गार्लिक नान बना रहे हैं। ऐसे घुमा घुमा के बेल लेंगे अच्छे से। अब इस पे डालेंगे गार्लिक। कोरिएंडर
उसको अच्छे से ऐसे इस पे दबा के चिपका देंगे। फिर इसे हम उल्टा करेंगे और इधर पानी लगाएंगे। अब गर्म तवे पे इसे हम ऐसे पानी वाला साइड ही डालेंगे। अब तवे को उल्टा करके इसे सेक लेंगे। ये देखिए गार्लिक नान हमारा तैयार है। अब इस पे लगाएंगे बटर।